गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्बल एनालॉजी। वर्बल एनालॉजी का मीनिंग क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। वर्बल एनालॉजी है कि वर्बली दो वर्ड्स के बीच में मीनिंग फॉरवर्ड या रिलेशन फॉरवर्ड करना। जैसे कोई वर्ड्स हैं तो उन दोनों के बीच में जो भी रिलेशन बन रहा है हमें नेक्स्ट वर्ड या नेक्स्ट ग्रुप में वही रिलेशन फाइंड आउट करना है। कुछ हम एग्जाम्पल पर आपको एक्सप्लेन करेंगे। वर्बल रीजनिंग स्टार्ट करते हैं हम। जैसे ये एग्जाम्पल है हमारे पास बर्ड एंड फ्लाई। बर्ड का रिलेशन जो है फ्लाई के साथ है और स्नेक का रिलेशन वो फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हम देखेंगे बर्ड का फ्लाई का रिलेशन क्या है। बर्ड जो होते हैं फ्लाई करते हैं रे, तो स्नेक का देखेंगे हम, स्नेक के साथ होल नहीं मैच कर रहा। स्नेक के साथ फ्लाई, स्नेक फ्लाई नहीं करते। स्नेक के साथ बार्क, स्नेक बार्क नहीं करते। स्नेक के साथ क्रॉलिंग, स्नेक क्रॉलिंग करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं स्नेक रेंगते हैं तो स्नेक क्रॉलिंग करते हैं। इसके आंसर हमारा डी। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं इन्वेंट इमिटेट। इन्वेंट इमिटेशन क्या है, ये ऑपोजिट वर्ड्स हैं आपस में। ऐसे ही कॉपी का रिलेशन क्या होगा, कॉपी का ऊपर ओरिजिनल, इसमें ओरिजिनल हमारा ऑप्शन है तो ओरिजिनल आंसर होगा। ये हमारे दो वैराइटीज हैं। इसकी आगे फर्दर वैराइटीज भी होती हैं। ये रिलेशन सिनोनिम्स, एंटीटोनिम्स या कोई वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर हो सकता है। जैसे कि कार का रिलेशन हम पेट्रोल के साथ देते हैं तो बाइक हमारे पास होती है, या कार फोर व्हीलर है तो बाइक टू व्हीलर है, इसका रिलेशन मिल सकते हैं। रिलेशन कुछ भी हो सकता है, रिलेशन फॉरवर्ड करना है कि ये रिलेशन वर्किंग प्रिंसिपल पे है या नंबर ऑफ कोई इनके पास कोई यूनिट्स हैं या कोई वर्किंग प्रिंसिपल है, इसका हम देखेंगे। ये होती है वर्बल रीजनिंग।